किसान वीरों, मैं आलू की फसल च बैठा। आलू की फसल जिहड़ी है वह तकरीबन दीपालपुर और गिरदोनवा विच एक महीने की डेढ़ महीने की फसल हो चुकी है। इन्दे उत्ते सब तो पहला स्प्रे जिहड़ा है वह तेले का करीदा है, क्योंकि तेला जिहड़ा है या सफेद मच्छरी जिहड़ी है वह इन्दे पत्तियां दे थलों सैल सैप जिहड़ा है या रस चूस लैंदी है, जिहदी वजह नाल इह डोलियां बनने शुरू हो जांदे ने और पौधा जिहड़ा है वह बीमारियां वास्ते ससैप्टीबल जां वर्नलेबल हो जांदा है, या कह लो कि उहनूं जिहड़ा है ना बीमारियां ज़्यादा लगने शुरू हो जांदियां। ठीक है, हुण तुहाडे सामने यह पौधा है, यह पौधे नूं तुसीं वेख रहे हो या यह खेत भी तुसीं वेख रहे हो, इतना सेहतमंद खेत नहीं है, कद इहदा वधिया जा रहा है, लेकिन पौधे जिहड़े हैं ना वो बड़े पतले जे हैं, पत्ते मुरडीजे खड़े हैं और गंदल जिहड़ी है उहदा कोई साइज़ भी बहुत बेहतर नहीं है। इस वास्ते जिहड़े किसान वीर हैं वो आलू की फसल लाते हैं तो टैंकी चा लेंदे हैं और एंड तक हारवेस्टिंग तक टैंकी स्प्रे दी लैके फिरदे रहिंदे हैं, क्योंकि उन्होंने नुकता नज़र सिर्फ ये होंदा भी इहनू स्प्रे करना है असीं बीमारी रोकना। मैं तुहानू इह दसना चाह रहा कि बीमारी रोकण पहले पौधे नूं सेहतमंद करना बड़ा जरूरी है। सेहतमंद किवें करना, इन खुराक इनकी पूरी करके। यह तुसीं वेखो यह पत्तियां दा जिहड़ा ना साइज़ बहुत छोटा है, उहदी वजह यह है कि ये हुण जिस तरह तुसीं वेखदे हो कि दिन नूं बहुत ज़्यादा टैंपरेचर हो जाता है, गर्मी ज़्यादा वध जाती है, रात नूं सर्दी बहुत ज़्यादा वध जाती है, फ्लक्चुएट टैंपरेचर कर रहा है। इहनूं असीं कहिंदे हां कि जिहड़ा इहनूं एनवायरमेंटल स्ट्रैस आउंदा है पौधे नूं, या इहदा कद वधणा शुरू हो जाता है या इहदे ते बीमारी फैलनी शुरू हो जाती है, पौधा कमज़ोर हो जाता है। इस वास्ते सारे दोस्तों नाल मेरा ये मशवरा है कि आलू की जिहड़ी फसल है उन्हें पहले स्प्रे दे नाल अमाइनो एसिड का स्प्रे करो। अमाइनो एसिड की करता है, अमाइनो एसिड सब तो पहले जिहड़ा ना पौधे नूं इनवायरमेंटल स्ट्रेसिस तो कढ़ण दी जिहड़ी माहौलियाती इहदे ते दबाव आउंदा है उहदे चों कढ़दा है। ठीक है जी, उस तो बाद इहदी बीमारियां दे खिलाफ़ लड़न दे विच इहदी कुवत मुदाफ़त बढ़ा लैंदा। ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड जिहड़े नूं प्रोटीन दे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, प्रोटीन की वजह नाल ही पौधा जिहड़ा है वह आपदे तमाम फंक्शनस करता है। इहदे विच अमाइनो एसिड दे स्प्रे नाल फायदा की होएगा, एक तो है कि फोटोसिंथेसिस दा अमल जिहड़ा है वह बेहतरीन चलेगा, दूसरे नंबर पर सैल डिवीजन का अमल जिहड़ा है वह बहुत बेहतरीन चलेगा, तीसरे नंबर पर ट्यूबर इनीशिएशन के पीरियड पर पहुँच गया, ट्यूबर इनीशिएशन जिहड़ी है वह बहुत बेहतर होएगी, क्योंकि इहदे ते बीमारी घट होएगी और बीमारी घट होने की वजह नाल ये अपने तमारे तमाम अफाल जिहड़े हैं वह बेहतर तरीके नाल सर अंजाम देगा। उस तो बाद जिहड़ा है ना इहदे विच जिहड़ा ट्यूबर बन रहा होएगा उहदी क्वालिटी, उहदे उत्ते जिहड़ी बीमारी आ रही होएगी उहदे ते काफ़ी पैंदा अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड जिहड़ा है इहनू आ जिहड़ी तमाम किस्म की बीमारियां उहदे तों बचांदा है। जिवें हुण अर्ली ब्लाइट का असीं स्प्रे कर रहे हैं, पौधा पहले तो ताकतवर होएगा तो बीमारियों के खिलाफ उन्हें चुकौत पैदा होएगी ना, इस वास्ते अमाइनो एसिड का स्प्रे करोगे। अमाइनो एसिड का स्प्रे फोटोसिंथेसिस का अमल बेहतर करता है, पत्ते खुल जाते हैं, पत्ते ज़्यादा खुराक बना दे, पौधा सेहतमंद होता है, सेहतमंद होने की वजह नाल वो बीमारियों तो भी बच जाता है और थले इनकी ट्यूबर इनीशिएशन जी है वो बहुत बेहतर हो जाती है, ज़्यादा आलू ले लेंदा है। इस वास्ते हर स्प्रे अमाइनो एसिड का 500 ml जिहड़ा है वो लाजमी स्प्रे करो, ताकि असी आलूआं की बेहतर फसल लै सकीए। और मेरा दावा है कि जिहड़ा बंदा अमाइनो एसिड के स्प्रे रिपीटड करेगा वह बंदा अपनी जिहड़े बीमारियों के स्प्रे हैं उन्होंने घट करने पैणगे, पौधा सेहतमंद होएगा तो बीमारी उन्होंने नहीं लगेगी। मैं उम्मीद करना वीडियो तुहाडे वास्ते फायदेमंद साबित होएगा।